नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं इनसाइड न्यूज अपडेट और मैं हूं साहिल मोटन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि पिछले 24 घंटों में भारत में 15,510 नए कोविड-19 मामले और 106 लोगों की मौतों की सूचना आई है। कश्मीर में छात्रों के लिए कक्षा 8वीं से 12वीं तक के लिए स्कूल खोल दिए गए। डीडीसी पुंछ राहुल यादव की अध्यक्षता में पुंछ के शिव खोड़ी मंदिर में एक बैठक आयोजित की गई। ये बैठक महाशिवरात्रि के बारे में थी। अभिषेक कुमार पुत्र रामलाल निवासी हर्षद अब्बट, जो कि कल रात से घर में नहीं लौटा था, आज बड़ी ब्राह्मणा डोगरा कॉलेज के पास मृत हालत में पाया गया। जम्मू और कश्मीर डेली वेजेस और कैजुअल लेबर्स में कर्मचारियों ने प्रशासन की उदासीनता के खिलाफ जोरदार तरीके के साथ किया प्रदर्शन। मीरासाहिब ब्लॉक के गांव नमहेशिया में तालाब की भूमि पर अवैध कब्जे किए जाने पर आम आदमी पार्टी के नेता ओम प्रकाश खजूरिया की अध्यक्षता में SDM आरसपुरा रामलाल शर्मा से मिलकर विज्ञापन सौंपा। गुरु रविदास जी महाराज के 143वें प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य पर श्री गुरु रविदास मंदिर कोटली शाहदुल्ला आरसपुरा में धार्मिक समागम का आयोजन किया गया। जिला पुलिस कठुआ ने सत्की चक क्षेत्र में एक गोजाति तस्करी को विफल करने में सफलता प्राप्त की और 9 गोजातियों को बचाया। तवी नदी से खनन निकालने पर पाबंदी लगाए जाने के बावजूद पुलिस प्रशासन की बिली भगत से दिन के उजाले में निकली तभी आरसपुरा में लगातार अवैध तरीके के साथ खनन निकाला जा रहा है। जिला विकास परिषद सदस्य सुचेतगढ़ सरदार तरन सिंह टोनी ने लोगों की समस्याओं को सुनने के मकसद से रविवार को आरसपुरा कस्बे में कार्यालय खोला। तो ये थी आज की कुछ प्रमुख सुर्खियां। आप इस तरह देखते रहिए इनसाइड न्यूज अपडेट। तब तक के लिए नमस्कार।